हेलो एवरीवन, मैं हूं कृतिका शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल शर्मा जी की मिसेस पर। मुझे वो पुराने वक्त बहुत याद आते हैं जब घर की तैयारियों से महीने भर पहले ही पता चल जाता था कि कोई त्यौहार आने वाला है। इस फास्ट अपडेटेड लाइफ ने, ऑनलाइन शॉपिंग ने शायद बाज़ारों में त्यौहारों के दौरान होने वाली रौनकों को काफ़ी हद तक कम कर दिया है, पर क्या करें, वक्त के साथ तो चलना ही पड़ता है। वैसे एक त्यौहार जल्द ही आने वाला है, रंगों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, होली। होली का इतिहास बहुत पुराना है। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी के समय से ये त्यौहार भारत में मनाया जा रहा है, पर अब इस नई सदी में होली की सीमाएं भी बढ़ चुकी हैं। अब दुनिया के हर कोने में हर धर्म के लोग इस त्यौहार से जुड़ चुके हैं। इसका रीज़न पता है क्यों फॉरेन कंट्री के लोग होली फेस्टिवल से इतने आकर्षित रहते हैं? क्योंकि हर किसी को रंग पसंद है, ज़िंदगी में भी और कभी कभी चेहरों पर भी। बेरंग दुनिया तो किसी को नहीं भाती। होली का त्यौहार बहुत सी चीज़ों से जुड़ा है, पर एक चीज़ जो शायद उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको अमीर से लेकर गरीब के त्यौहार में मिलेगी, वो है रंग, गुलाल, अबीर। ये रंग ज़रूर बाद में धुल जाते हैं, पर लगाने वाले का रंग कभी नहीं उतरता। अब बिना देर के ये वीडियो का सार शुरू करते हैं। मार्केट में बहुत से गुलाल रंग आपको मिल जाएंगे, जो बच्चों की क्या बड़ों की स्किन के लिए भी बहुत हार्ड हैं, जिससे स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। पर रंगों के बिना होली का त्यौहार सूना है, लेकिन अगर रंगों में केमिकल की मिलावट होती है तो होली का मज़ा आपके लिए सज़ा बन सकता है। क्रोमियम, सिलिका, लेड और एल्कलाइन जैसे केमिकल्स आजकल गुलाल में कॉमनली यूज़ हो रहे हैं। इन सब का उपाय है रंगों के बिना होली खेलना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें ये त्यौहार विरासत में मिले हैं, तो इन्हें वैसे ही मनाएंगे जैसे पीढ़ियों से मनाए जा रहे हैं। मेरे बच्चों की और मेरे हस्बैंड की स्किन इतनी सेंसिटिव है कि हर साल उन्हें होली खेलने के बाद एलर्जी से बचने के लिए लोशंस लगाने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार सबके लिए ऑर्गेनिक हर्बल होममेड गुलाल बनाए जाए, जिससे मैं भी निश्चिंत रहूं कि मेरे बच्चे होली का भरपूर मज़ा लेंगे और घर में किसी की भी स्किन ख़राब नहीं होगी। तो मैं बना रही हूं घर की आम खाने पीने की चीज़ों से ये हर्बल गुलाल, बजट फ्रेंडली, स्किन फ्रेंडली, हरा, पीला और लाल गुलाल। हरा रंग बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी पालक का। लाल रंग बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी चुकंदर का और गुलाब का। और लास्ट पीला रंग बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी हल्दी और गेंदे के फूलों का। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी कलर बनाने के लिए बेस हमेशा सेम होता है और एक फ्रेग्रेंस होती है। सो दो छोटे छोटे बाउल्स लीजिए। एक बाउल में मेरे पास है टेलकम पाउडर, बेबी पाउडर, जो क्लिनिकली प्रूवन है सेफ है। और बेस के लिए बड़े बाउल में डालें कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर स्किन के लिए तो सेफ ही है, बल्कि इसका टेक्स्चर भी काफ़ी स्मूद है, बिल्कुल बाजार के गुलाल की तरह। अब इस टेलकम पाउडर को भी इस बेस में, इस कॉर्नफ्लावर में मिक्स कर दीजिए। और इसे अच्छे से चम्मच की सहायता से मिला लें। मैं बनाने जा रही हूँ तीन अलग तरह के रंग, तो इस मिक्सचर को आप तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। अब ब्लेंडर में सब चीज़ों को अलग अलग पानी के साथ मिलाकर ऐसा अर्क बना लें। लाल रंग के लिए बीटरूट और गुलाब का अर्क, हरे रंग के लिए पालक का अर्क, रंग के लिए गेंदे के फूलों का अर्क, साथ में हल्दी में थोड़ा पानी मिलाकर मिलाएं। और आपको मिल जाएंगे आपके गुलाल के लिए घर की चीज़ों से बने ये खुशनुमा खूबसूरत रंग। अब एक पार्ट में ग्रीन कलर के लिए पालक का अर्क मिलाएं। और चम्मच की सहायता से तब तक मिलाएं जब तक वो लम्स फ्री ना हो जाए। तब तक चम्मच से चलाएं जब तक आपको ऐसी कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। दूसरे पोर्शन में लाल रंग के लिए सबसे पहले गुलाब का अर्क मिलाएं और उसे अच्छे से मिलाएं, और फिर मिलाएं बीट रूट का अर्क लाल रंग के लिए, और उसे चम्मच की सहायता से धीरे धीरे मिलाएं लम्स फ्री होने तक। और आपको मिल जाएगा ब्यूटीफुल सा पिंक कलर। तीसरे पार्ट में हल्दी मिलाएं और साथ में मिलाएं गेंदे के फूल का अर्क, और धीरे धीरे इसे भी चम्मच की सहायता से चलाएं, और आपको मिल जाएगा लम्स फ्री ये पीला रंग। सीक्रेट टिप आपके गुलाल की खुशबू के लिए, गुलाब जल। बस थोड़ा थोड़ा गुलाब जल तीनों रंगों में मिला दीजिए और फिर देखिए अपने गुलाल की खुशबू का रंग। अच्छे से मिलाने के बाद
हर कलर को एक एक प्लेट में खाली कर लें और इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए रख दें। पर ध्यान रखें, इन्हें ज़्यादा धूप मत लगाएं वरना इनका रंग उड़ जाएगा। 3 से 4 घंटे बाद आपको मिलेगा कुछ इस तरह। फिर इसे चम्मच की सहायता से हल्के हल्के खुरचिए और इन पीसीस को आप फिर डालें ब्लेंडर में। आपको मिल जाएंगे खूबसूरत रंग। जल्दी होली आने वाली है, अपने बच्चों और परिवार के लिए बनाइए हर्बल गुलाल और निश्चिंत होकर होली खेलें। मैं तो बिना किसी टेंशन के लगाने वाली हूँ अपने बच्चों को ये रंग। आप भी बनाइए और मुझे बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। हैप्पी होली टू एवरीवन। होली खेलाए रघु वीर आया वधमा, होली खेलाए रघु वीर।